आज मैं आपको एक ऐसे अस्पताल के बारे में बताने और दिखाने जा रहा हूं जिसे देखकर आप हैरान भी होंगे और अपने भारतीय वैज्ञानिक पर गर्व भी करेंगे। मेरे पीछे आप बोर्ड देख रहे होंगे, यहां पर लिखा हुआ है आरोग्य मैत्री। ये भीष्म एक मुहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 13 जनवरी को लॉन्च किया था, आरोग्य मैत्री। और भीष्म का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, भारत हेल्थ इन्विटेशन फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। एक ऐसे अस्पताल के को बनाना जो नेशनल डिजास्टर में न सिर्फ भारत के लोगों को हेल्प करे बल्कि भारत के जितने भी मैत्री देश हैं उनको भी वो ये अस्पताल हेल्प करे। मेरे पीछे आप एक डिस्प्ले किया हुआ एक अस्पताल देख सकते हैं, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट आपको दिख रहा होगा। ये आपदा अस्पताल नाम इसका दिया गया है आरोग्य मैत्री के तहत, और ये पोर्टेबल अस्पताल है जिसको एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है, ड्रोन से भी पहुंचाया जा सकता है, नाव से भी पहुंचाया जा सकता है, साइकिल और ट्रक से भी कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। ये एक ऐसा अस्पताल है, एक एक करके आपको विस्तार सब कुछ मैं बता रहा हूं और दिखा रहा हूं। ये सबसे पहले ये स्ट्रक्चर है जिस पर जो मरीज होते हैं, जो घायल हैं या मरीज जो बीमार हैं उनको सबसे पहले लेटाया जाएगा। और ये जो स्ट्रक्चर बहुत खास है, खास इसलिए कि इसको एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है, इसको ड्रोन से भी उठाया जा सकता है और इसको पैराशूट से भी ड्रॉप किया जा सकता है। ये इतना खास है, इसमें आप सब कुछ देख रहे होंगे। साथ ही मैं अपने कैमरामैन संदीप रावत को कहूँगा कि वो ये जो क्यूब टाइप का आप देख रहे हैं, छोटा छोटा बॉक्स टाइप का जो देख रहे हैं, एक बड़ा सा पैनल, इस पैनल को ही ये आरोग्य मैत्री अस्पताल नाम दिया गया है। और इस बॉक्स के अंदर वो सारे इक्विपमेंट सामान है जो एक अस्पताल में मौजूद होता है। इस डब्बे को जो ये पैनल है इसको एयरलिफ्ट से भी इस हुक के जरिए उठाया जा सकता है, कहीं भी गिराया जा सकता है, कहीं फिर इसको हाथ से मूव करके भी ले जाया जा सकता है, साथ ही ट्रक से भी लेके जा सकते हैं, साइकिल से भी ले जा सकते हैं, नाव से भी ले जा सकते हैं, ड्रोन से भी ले जा सकते हैं। अगर ड्रोन से ले जाना हो तो इस बॉक्स को एक ड्रोन कहीं भी उठाकर लेकर जा सकता है, साइकिल पर उठाकर ले जा सकते हैं, और मैनुअली दो आदमी या एक आदमी पकड़ कर इसको उठाकर लेकर जा सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि इस बॉक्स के किस बॉक्स के अंदर क्या सामान है। जब नेशनल डिजास्टर होता है, जैसे आपदा कोई आई, जैसे बस समझिए कहीं पे बाढ़ आ गई है या कोई दुर्घटना हो गया, तुरंत मरीज को ट्रीटमेंट करना है, ऐसे में किस बॉक्स में क्या सामान है ऐसे में पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और गलत डब्बा खोलने में टाइम ना वेस्ट हो, इसके लिए एक खास टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, आरएफ कोड का। इसके कैसे पता चले किस बॉक्स में क्या प्रोडक्ट है ये विस्तार से बताएंगे। मेरे साथ है, क्या नाम हो सर आपका? राहुल मेहरा। अच्छा, आप बताएं, हम लोग देख रहे हैं कि QR कोड है इस बॉक्स पे, और कहीं भी नेशनल डिजास्टर आए जहाँ पर तुरंत मरीज को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ऐसे में यहाँ पर बहुत सारे डब्बे हैं, किस में क्या सामान है किसी को पता नहीं, ऐसे में कैसे पता चलेगा इस बॉक्स में क्या चीज़ है और क्या इस्तेमाल करना है? ये पूरा RF, अगर आप लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी से वाकिफ हों और अगर आप लोग आजकल काफ़ी स्टोर्स पे जाएं तो हर जगह ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, लेकिन आपदा के टाइम में दवाइयों के लिए ये टेक्नोलॉजी पहली बार यूज़ की गई है। और ये काफ़ी क्रॉल जो हमने इस टेक्नोलॉजी का पेटेंट लिया है और ये एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है हम लोगों की। तो क्रॉल का पर्पज़ ये था कि जब हम लोगों ने काफ़ी डिज़ास्टर देखे, कोविड मैनेजमेंट किया, तो हम लोगों ने देखा कि काफ़ी जगहों से एड आ जाती है, कोई नेचुरल डिज़ास्टर होता है, कोई आपदा होती है, तो हर जगह से रेड क्रॉस को, USAID सब लोग हेल्प करते हैं, लेकिन हेल्प करने के बाद वहाँ पे हजारों बॉक्सेज हैं लेकिन उनका यूसेज नहीं है, 80% ऑफ द प्रोडक्ट्स गेट वेस्टेड। तो अगर वो सामान हर डॉक्टर खोलने का टाइम नहीं है, पैरामेडिक पे खोलने का टाइम नहीं है, तो हमने एक ऐसी चीज़ को ईजाद किया कि बिना खोले अगर इंसान को पता हो कि उस बॉक्स में क्या है तो टाइम बचेगा, सर्वाइवल का चांस बहुत ज़्यादा होगा। और हम लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को अगर आप डेमोन्स्ट्रेट करें तो ऋतुराज जी जो कि की पर्सन है इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, वुड शो यू, आपको दिखाएंगे कि ये बिना बॉक्स खोले किस तरीके से इस बॉक्स में क्या है। हाँ, तो इस बॉक्स के लिए हम लोगों ने अभी हम लोगों ने आपके लिए रेडी किया था ये चीज़। आप देखिए इसके अंदर, जैसी फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इस बॉक्स को देखेंगे ये कवर्ड है पूरे का पूरा, इसके हमें कोई मेडिसिन इसकी दिख नहीं रही है। तो सारे ही अंदर जो मेडिसिन है वो टैग्ड है, उसके ऊपर RFID लगा हुआ है, और RFID कोड को जब हम स्कैन करते हैं ऊपर से, तो हमें इस तरह से आउटपुट देता है जिसमें हमें रियल टाइम बताता है कि इसके अंदर कितने इसको किट मिले हैं, कितने नहीं मिले हैं, हर किट का क्या नाम है, और उसकी एक्सपायरी भी बताता है। अच्छा, एक्सपायरी डेट भी बता रहा है। जी हाँ, ये हर उसका बैच नंबर, एक्सपायरी, उस किट के अंदर क्या क्या मेडिसिन होती हैं, वो सारी डिटेल हम इसके अंदर फीड करके और रखते ये हैं सब चीज़ें बिना बॉक्स को खोले हुए। तो अगर आप सोचिए कि कोई आपदा आई, 72 बॉक्सेज हैं, और अगर हमें ऐसे 100 बॉक्सेज अगर हमें बनाने हैं
तो जिस स्पीड पे हमें इसके लिए तैयारी करनी है तो उसके लिए एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। तो साफ तौर से बिना बॉक्स को खोले ही पता चल जाएगा कि क्या चीज़ कहाँ पर है। डॉक्टर अंकिता शर्मा मैम मेरे साथ हैं जो बताएंगे विस्तार से, क्योंकि ये उस जो आरोग्य मैत्री टास्क फोर्स बनाया गया उसके सदस्य भी हैं। मैम खासतौर से इस बॉक्स की बात करें तो क्या खास है इस बॉक्स में? सिर्फ इस बॉक्स में क्यूबॉइड में आपका मतलब है? देखिए खास तो इसके बारे में सब कुछ है, ये अपने आप में ही खास है क्योंकि ये वर्ल्ड का पहला है। ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा कि नॉर्मली आप देखते हैं एक मेडिसिन का पैकेज पूरा जाता है या इक्विपमेंट्स का पैकेज पूरा जाता है या खाने का पैकेज पूरा जाता है या पावर बैकअप का पैकेज पूरा जाता है। हम यहाँ पे सब कुछ हमने एक कंपाइल करके हमने एक मिनी हॉस्पिटल सेटअप की तैयारी के लिए ये बॉक्स बनाया है जिसे हम मॉड्यूलर ट्रॉमा किट कहते हैं। तो इसमें आपके मेडिसिन भी हैं, इसमें मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स भी हैं, इसमें पावर बैकअप भी है, रेफ्रिजरेटर भी है, इसमें मिनी लैब भी है ब्लड टेस्ट वगैरह करने, बहुत सारे टेस्ट करने के लिए, वेरियस टेस्ट करने के लिए। फिर क्रू के सर्वाइवल के लिए भी हमने इसमें किट्स प्रोवाइड किए हैं, सर्वाइवल टेंट्स प्रोवाइड किए हैं जिसमें काफ़ी सारा सामान है। तो लगभग 333 टोटल आइटम हैं जो हम इसमें प्रोवाइड किए हैं। कितने आदमी को ट्रीटमेंट कर सकता है ये अस्पताल? 200 लोगों की ट्रीटमेंट के लिए इसमें फैसिलिटी प्रोवाइडेड है। जितना सामान इसके अंदर है, जितना मेडिकल एड प्रोवाइडेड है, उससे 200 लोगों का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अस्पताल को मूवमेंट कैसे किया जा सकता है? जैसे कि आप लोगों ने कहा एयरलिफ्ट भी कर सकते हैं, इसको एयरलिफ्ट भी कर सकते हैं। आप देखिए ये यहाँ पे इंजन लगे हुए हैं, इससे एयरलिफ्ट किया जा सकता है, एयरबेंच किया जा सकता है, इसको सड़क पे चलाया जा सकता है, इसको ट्रक में या किसी भी तरह के ट्रांसपोर्ट में आप डाल के आप मूव कर सकते हैं। इंडिविजुअल क्यूब्स को भी एक ट्रॉली हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे कैरी कर सकते हैं, स्ट्रैपिंग करके एक बंदा आराम से, स्पेशली सोल्जर्स आराम से कैरी कर सकते हैं क्योंकि 20 किलो से ज्यादा किसी का भी वेट नहीं है। ड्रोन से भी एक इंडिविजुअल उठा सकते हैं क्योंकि आजकल तो नए जमाने के जो ड्रोन है वो काफी वेट लिफ्ट कर लेते हैं, इसमें से किसी का भी 20 किलो से ज्यादा वेट नहीं है। तो साफ तौर से इस क्यूब को ड्रोन से लेकर एयरलिफ्ट सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ मेडिसिन आपको दिख रहा होगा, मैं अपने कैमरामैन संदीप रावत को कहूंगा कि यहाँ पर लेकर करके आपको दिखाएं। जो सोक स्टेशन आप देख सकते हैं चेस्ट इंजरी के लिए है, पेन एंड जो एंटीबायोटिक स्टेशन है उसका है, एयरवे स्टेशन है, ब्लीडिंग स्टेशन है। तो मतलब जो भी आपको बीमारी चोट लगी है किसी को या कोई भी प्रॉब्लम है यहाँ पर सभी के लिए यहाँ पर जो मेडिसिन है वो उपलब्ध है। सामने आप देख सकते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर आपको दिख रहा होगा, नेबुलाइजर आपको दिख रहा होगा, ग्लूकोज का डब्बा आपको दिख रहा है। और उसके बाद खास तौर से जो मरीज का ट्रीटमेंट के लिए जो क्रू मेंबर रहेंगे उनके लिए भी एक खास तौर से यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनाया गया। ये सभी मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कवच नाम का एक ये वाशर है जिसको आप हैंड वॉश के लिए, कपड़ा साफ करने के लिए एक पाउच से 10 कपड़े साफ हो सकते हैं। ये टिश्यू पेपर, ये पीने के लिए पानी है, इस बैग में पानी है, ये एक ब्लैंकेट कंबल है। ये कंबल भी अपने आप में खास है क्योंकि ये -20 डिग्री टेम्परेचर को सहन कर सकता है। साथ ही ये रेस्क्यू बैग है, ये तमाम ये खाने के लिए जो रेडी टू ईट फूड है वो भी दिया गया है। तो जो पैरामेडिकल फोर्स वहाँ पर रहेगी आपदा के वक्त उनको सभी प्रकार के जो सामान है वो यहाँ पर मिलेगा। बंस स्टेशन आप देख सकते हैं सांपों के काटे हुए मरीज के लिए भी यहाँ ट्रीटमेंट स्टेशन है। जो नॉर्मल जख्म वाले मरीज आएंगे उनके लिए भी हम सब कुछ है। आँखों के मरीज के लिए है यहाँ पर, फ्रैक्चर जो एक्सीडेंट हो गया किसी के पैर हाथ टूटा हुआ तो उसके लिए। तो ये A to Z जो एक नॉर्मल किसी अस्पताल में आप जाते होंगे अपने शहर में इलाज कराने के लिए, उस दौरान जो आपको सुविधाएं मिलेगी सभी सुविधाएं सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट में, कहीं भी किसी भी जगह आपदा आएगी तो वहां पर ये बना लिया जाएगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि आपको एक बहुत बड़ा आपको ये दिख रहा होगा अस्पताल, ये छोटा छोटा जो आप जाते होंगे कहीं कैंपिंग करने के लिए जाते हैं तो कैंपिंग में भी इसी तरह से जो है कैंपिंग जो सेट है वो तैनात किया जाता है। यहाँ पर आपको कुछ और खास मैं दिखा रहा हूँ, ये तो एक डब्बा जो इसके अंदर ये सारे सामान, यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर स्टेशन, जब जहाँ पर आपदा आएगी वहाँ पर ये, जहाँ पर ये अस्पताल सेटअप किया जाएगा उस जगह पे पावर के लिए सोलर पैनल के साथ साथ जनरेटर भी है, इमरजेंसी लाइट भी है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये जो स्टाफ जो पैरामेडिकल फोर्स उस जगह पर रहेंगे मरीज के ट्रीटमेंट के लिए, उनके लिए सोने के लिए इस तरह का टेंट है। साथ ही यहाँ कुकिंग स्टेशन है रेडी टू ईट फूड के साथ साथ, उनके लिए गैस चूल्हा से लेकर पानी डब्बा से लेकर स्टोव सब कुछ दिया गया, वहाँ वो बना सकते हैं। पर्सनल किट यहाँ पर देख सकते हैं जो यूज़ में आएगा। इसके बाद ये मैं अपना कैमरामैन संदीप रावत को कहूँगा कि ये खास है, ये है OPD स्टेशन। नॉर्मल किसी अस्पताल में जाते होंगे तो आप जिस तरह से OPD स्टेशन देखते होंगे ठीक उसी तरह का OPD स्टेशन इस आपदा अस्पताल में भी है। जिस तरह से नॉर्मल OPD स्टेशन में सामान रहते हैं ठीक उसी तरह से यहाँ पर ये BP चेकअप मशीन देख सकते हैं, आला देख सकते हैं, ये आपको ये आप मशीन देख सकते हैं, थर्मामीटर देख सकते हैं, A to Z जो आपको
नॉर्मल दिखता होगा किसी ओपीडी में, वो सभी इक्विपमेंट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। साथ ही यहाँ पर एक लेबोरेटरी देख सकते हैं, यहाँ पर ब्लड टेस्ट से लेकर जितने भी टेस्ट रिक्वायर्ड होगा, एक्सरे से लेकर सभी यहाँ पर उपलब्ध होगा। ये सामने देख सकते हैं ये मशीन है, ये लैब का जो प्रोडक्ट मशीन है यहाँ पर वो दिखा भी रहे हैं। तो आप कह सकते हैं जो आपदा अस्पताल है वहाँ ना सिर्फ नॉर्मल ट्रीटमेंट होगा बल्कि एक्सरे से लेकर ब्लड टेस्ट से सब कुछ यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद आपको ये सर्जिकल स्टेशन है, सर्जिकल स्टेशन में अगर किसी को किसी प्रकार का सर्जिकल की भी नीड है एट ए टाइम, तो उनके सर्जिकल करने के लिए भी इस जगह सभी जो सामान है सर्जिकल के लिए वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ईसीजी मशीन से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर जो सर्जिकल वार्ड में होता है वो सभी यहाँ पर आप वो सामान इक्विपमेंट आप देख सकते हैं कि ए टू जेड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। साथ ही क्योंकि जहाँ पर आपदा अस्पताल बनाया जाएगा वहाँ पे 200 लोगों के 200 मरीजों का ट्रीटमेंट के लिए जो सामान होगा उसके स्टोरेज के लिए भी एक यहाँ पर ये स्टोरेज टेंट बनाया गया है। तो ये जो आरोग्य मैत्री अस्पताल है ये न सिर्फ भारत का बल्कि वर्ल्ड का पहला ये आरोग्य मैत्री अस्पताल है जो कि आपदा के वक्त कहीं भी किसी भी वक्त जगह महज 30 मिनट के अंदर 200 लोगों के इलाज के लिए इसको सेटअप किया जा सकता है। इसको लाने ले जाने के लिए बाय एयर लिफ्ट भी कर सकते हैं, बाय ड्रोन से भी ले जा सकते हैं, साइकिल से भी ले जा सकते हैं, ट्रक से भी ले जा सकते हैं और नाव से भी ले जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 13 जनवरी को आरोग्य मैत्री लॉन्च किया था और कहा था कि न सिर्फ भारत में बल्कि कहीं भी जो भी भारत के सहयोगी मित्र देश हैं वहाँ पर अगर नेशनल डिजास्टर आता है तो वहाँ पर इस अस्पताल के जरिए मानव हित में कार्य किए जा सकें। तो आप कह सकते हैं अब अगर भविष्य में कहीं भी किसी भी जगह अगर नेशनल डिजास्टर आता है तो ये आरोग्य मैत्री अस्पताल मिनटों में ही मरीजों का इलाज कर सकती है। कैमरामैन संदीप रावत के साथ केशव कुमार झा, भारत 24, गुरुग्राम।